नमस्कार दोस्तों, YouTube के अनिल टेक्निकल चैनल में मैं अनिल बिरारी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर लॉट साइज़ के ऊपर वीडियो बनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, ये लॉट साइज़ के ऊपर में मेरा सेकंड वीडियो है, बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट सीरीज़ 2। और अगर आपने मेरा बेसिक नॉलेज का शेयर मार्केट का अगर बेसिक सीरीज़ 1 नहीं देखा होगा दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप जाके उसको दे सकते हो, क्योंकि उसका बेसिक से लेके आपको एडवांस आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने लॉट साइज़ का कैलकुलेशन बताया है। बहुत सारे लोगों को उसका लॉट साइज़ का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसका लॉट साइज़ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे काउंट करते हैं उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे पास में अगर दो होता है, एक होता है निफ्टी और दूसरा होता है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था निफ्टी के अंदर लॉट साइज़ होता है 75 का और बैंक निफ्टी के अंदर लॉट साइज़ होता है 20 का। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अगर 20 का लॉट साइज़ है और निफ्टी के अंदर 75 का लॉट साइज़ है। अगर आपने सोचो, बैंक निफ्टी में आपने अगर 50 पॉइंट कमाया है, कितने दोस्तों 50 पॉइंट आपने अर्न करे, तो 50 पॉइंट अर्न किए तो 50 जो आपका पॉइंट कमाया है उसका इनटू एक लॉट का आपका 20 है, तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, 1000 रुपये आपका ये प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ठीक है, 1000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन करना है, ये एक लॉट का हो गया। अगर उसी तरह हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में 75 का लॉट है, 75 का लॉट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने 75 का अगर आपने प्रॉफिट निकाला, अगर आपने 75 पॉइंट अर्न किए, तो 75 × 75 दोस्तों, 75 75 मेरे ख्याल से जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसका आंसर आएगा वो आपको देख लेना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक निफ्टी के अंदर 5 लॉट लिए 5 लॉट, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, 5 लॉट बोले तो 1 लॉट का 20 रुपया × 5, तो ये आपका हो गया दोस्तों 5 × 100 100 क्वांटिटी आपका हो गया, ये 100 क्वांटिटी आपको लॉट क्या हो गया, 100 क्वांटिटी शेयर। अभी अगर आपने बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर आपने 50 पॉइंट अर्न किए तो आपका 50 × 100 क्वांटिटी इज इक्वल टू 5000, ये आपका प्रॉफिट है दोस्तों। तो इस तरह से आपको लॉट साइज़ को कैलकुलेशन करना है दोस्तों। लॉट साइज़ का कैलकुलेशन क्या होता है, अगर आपने एक लॉट लिया है तो एक लॉट का हो गया तुम्हारा 20, और इस तरह से हमने 5 लॉट लिए थे, 5 लॉट का 100 हो गया और आपने 50 पॉइंट कमाए दोस्तों, तो 50 पॉइंट कमाए आपने तो 50 × 100 जैसे 5000 रुपीज़ आप उसको अर्न कर सकते हो। उसी तरह हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। निफ्टी में अगर आपने 40 पॉइंट कमाए, ठीक है, और आपके पास में 2 लॉट है दोस्तों, 75 का 2 लॉट × 2 लॉट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 75 × 2 यानी हो गया आपका 150 हो गया ये लॉट, नौ क्वान्टिटी हो गया 150 क्वान्टिटी इंटू हमें आपने कितने पॉइंट अर्न किए उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 15 × 60, यानी हम तुम यहाँ पे 6000 रुपीज़ यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है दोस्तों कि लॉट साइज़ इनटू मल्टीप्लाई बाय आपने कितने पॉइंट अर्न किए उसका आप कैलकुलेशन इस तरह से आप करवा सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको दोस्तों ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया हो, आप इसको इस वीडियो को बार बार देखिए, घुमा फिरा के देखिए, ताकि इसमें आपको आसानी से आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। तो अच्छा लगा है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करें, अपने फ्रेंड लोगों को फिर शेयर करें दोस्तों।
और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है ashtraningacademy45@45@gmail.com पर। और कमेंट्स में दोस्तों आप मुझे लिखे रहे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बेसिक से लेके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको शेयर मार्केट रिगार्डिंग हो दोस्तों, तो आप बिंदास मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।